हे फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैं एक कंप्लीट सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट की है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, स्टेनो हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, या जेल प्रहरी, वन रक्षक, व्यापम में भी जो उसके सब ग्रुप लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा है जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन या एसएससी में तो 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज इसका 6th डे और सीरीज है 600 शब्दों की। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। कहीं मत जाइए, मेरे साथ सुनिए और सीखिए और साथ ही साथ नोट भी करते चलिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज है 51st यानी 51 नंबर का क्वेश्चन और इसका वन वर्ड। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर यानी तारों का समूह। तारों के समूह को क्या कहते हैं? हर चीज का एक समूह होता है ना, तो उसके समूह का भी एक नाम है। तो तारों के समूह को कहते हैं तारामंडल हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। याद करिएगा, 4-5 ऑप्शन लिखे होंगे तो आप याद रखना, तारों के समूह को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, अ पेपर रिटन बाय हैंड यानी हस्तलिखित, यानी कोई भी ऐसा चीज जो हाथों से लिखा गया हो, नॉट है ना। तो जैसे आपने देखा होगा ना, खुदाई होती है बहुत सारी जगह पे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, वहां पर भी बहुत कुछ शिलालेख मिले हैं और जो हस्तलिखित है उन्हें कहते हैं उन्हें कहते हैं हस्तलिपि। इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो भाई व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? हाथों से लिखा हुआ हस्तलिखित, उसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। तो दोनों वर्ड याद हो गए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अ पार्ट of a word that can be pronounced separately, शब्द, ऐसे शब्द जिनको अलग अलग पढ़ा जाता हो उसे कहते हैं सिलेबल। क्या कहते हैं? सिलेबल। देखो समझ लेते हैं कि कैसा, उसका मतलब क्या है। सॉरी, सेपरेटली शब्द को आप देखो, सेपरेटली, इसको मैंने कितने बार तोड़ दिया, ली। अगर आप अपने जीभ पर भी ध्यान दें तो ये सभी शब्दों को बोलने में जीभ के जो पैटर्न है ना, कभी वो तालू पे टकरा रही, कभी नीचे, कभी दांत पे, तो वो अलग अलग शब्द बना रही है। स प प बोलने पे लिप्स टकराते हैं, प रे रे बोलने पे जो जीभ है वो ऊपर के तालू पे टकराती है, रे ट ट बोलने पर नीचे ऊपर से टकरा के नीचे आ रही है। तो ये जो अलग अलग शब्द आप देख रहे होगे ना, स प रे ट ली, 1 2 3 4 5, ये कहलाएंगे सिलेबल। एक एक सिलेबल है ये, एक एक शब्द जो है वो एक सिलेबल है, तो इन्हें कहते हैं सिलेबल। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल हेयर, सॉरी, पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से आकर बसता हो तो उसे कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट। और एक होता है जो हमारे देश से दूसरे स्टेट चला जाता है, उसको कहते हैं माइग्रेंट। क्या कहते हैं? माइग्रेंट। और एक होता है इमिग्रेंट, इसी में आप माइग्रेंट में आई एम जोड़ते हो तो हमारे देश में आ गया। ई आई से इम्पोर्ट, ऐसे याद कर लो, और ई से एक्सपोर्ट, है ना। तो एक एमिग्रेंट भी होता है, ई एम आई। तो ई वाला जो होगा वो हमारे देश को छोड़ के दूसरे देश में जाएगा, और जो आई वाला होगा वो दूसरे देश से हमारे देश में आएगा, ऐसे आप याद करो, इमिग्रेंट एमिग्रेंट। ठीक, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अ पर्सन डिवोटेड टू सेंशुअल एंजॉयमेंट, कामुक, मतलब जो ऐसा भोग विलासिता वाला इंसान, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ये सोचता है कि देखो कुछ ना कुछ दिन बाद तो मरना ही है, इससे अच्छा एक जीवन मिला है, उसको खूब इंजॉय करके ही मरो। तो मतलब अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खाने पीने में कोई कमी ना हो, जीवन बिल्कुल वैभव विलासिता से चले, फुल इंजॉयमेंट चलने वाला, ऐसे व्यक्ति को हिंदू में कहते हैं हम भोगवादी। ये भोग करने पे विश्वास करते हैं। इंग्लिश में अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट स्पेशली दैट ड्राइव्ड फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, खाने पीने वाला, उसको बोलते हैं एपिक्यूरियन। क्या बोलते हैं? एपिक्यूरियन। एपिक्योर मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भोगवादी हो। आई होप ये भी क्लियर हुआ। अ पर्सन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज, 80 साल के उम्र के व्यक्ति को ऑक्टोजेनेरियन कहते हैं। जेनेरियन जेनरेशन को दिखाता है, ऑक्टो 8 को दिखाते हैं। तो ऑक्टोजेनेरियन यानी अ पर्सन ऑफ एज बिटवीन 80 एंड 89 इज कॉल्ड ऑक्टोजेनेरियन। ठीक है, इस पे मैं अलग सीरीज भी बनाऊंगा वैसे बहुत सारे कॉमन शब्दों के, अभी तो फिलहाल ये 600 वर्ड की लिस्ट है, पहले आप इनको अलग अलग तरीके से याद करो।
नेक्स्ट, अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन अ हॉर्स एस्कॉर्टिंग अनादर व्हीकल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, आप इस फोटोग्राफ को देखो, यहाँ पे एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा जिसके पीछे पूरी कारकेड चल रही है, मतलब कारों का काफिला है। तो ऐसा व्यक्ति जो कारों के काफिले के आगे चलता हो, या तो वो बाइक पे होता है या फिर घोड़े पर होता है, एस्कॉर्टिंग के लिए हम आगे चलने वाले वाले व्यक्ति को बोलते हैं आउट राइडर। क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे इनको, क्या मानेंगे आउट राइडर। और वैसे ये करते हैं एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के चारों तरफ या आगे चलना, ताकि एक सम्मान दृष्टि से भी इसको किया जाता है, ऑनर देने के लिए भी कहते हैं, या फिर सिक्योरिटी के पर्पस से भी होता है, लेकिन आगे चलने वाले को आउट राइडर कहते हैं। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग और सेलिंग ऑफ ओल्ड बुक, ऐसा व्यक्ति जो पुरानी किताबों को कलेक्ट करता है, उनकी पढ़ाई करता है, या उनको बेचता है, या पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने का काम करता है, जैसे इसको हम एंटीक्स कहते हैं, कलेक्शन ऑफ एंटीक्स, पुरानी ओल्ड एंड रेयर चीज़ों का कलेक्शन एंटीक होता है। तो जो व्यक्ति उस काम को करता है उसको एंटीक्वेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीक्वेरियन, पुरातात्विक महत्व की चीज़ों को इकट्ठा करने वाला, एंटीक्वेरियन। क्या कहते हैं? एंटीक्वेरियन। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना पसंद करता है और कुछ काम पसंद नहीं करता, उसे हम किताबी कीड़ा भी कहते हैं। तो पुस्तकों का कीड़ा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक वॉर्म। तो वॉर्म तो कीड़ा ही होता है, बुक किताबें होती हैं, तो बुक वॉर्म यानी किताबी कीड़ा। नेक्स्ट, अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो ये कहता हो कि उसको ये कंफर्म नहीं है कि भैया भगवान है कि नहीं। तो एक होता है ईश्वर को मानने वाला, उसको हम थीस्ट कहते हैं, THEIST। एक होता है ईश्वर को नहीं मानने वाला, अथीस्ट, जो ईश्वर को नहीं मानता, अथीस्ट। ये तो मानता है, ये तो नहीं मानता। अब बीच में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पता नहीं है कि नहीं है, तो ना तो वो आस्तिक बन पा रहे हैं ना वो नास्तिक बन पा रहे हैं। ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक कहते हैं, अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक, यानी इनको ये विश्वास नहीं होता कि ईश्वर है, लेकिन वो नास्तिक भी नहीं है, आस्तिक भी नहीं है। वो कहते हैं यार ईश्वर तो नहीं कुछ कर रहा, शायद साइंस है, या साइंस नहीं है, कहीं ना कहीं ईश्वर है, तो क्या है, श्योर नहीं है कि गॉड है भी कि नहीं। ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के बड़े इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स। आई होप ये आपको याद हो गए होंगे, और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, माइडस एकेडमी से, विकास सर से, और सीखते रहिए इंग्लिश की बारीकियाँ। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर।